सिरसा बिजली घर के बाहर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले बिजली निगम के जेई समान काम समान वेतन निगम में नई भर्तियों सहित कई अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी मांगों को लेकर बातचीत ना करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दूसरे विभागों में एसडीओ की 50% डायरेक्ट भर्ती होती है, 50% प्रमोशन से एसडीओ बनाए जाते हैं, लेकिन बिजली विभाग में ये रेशो 35% प्रमोशन से एसडीओ बनाए जाते हैं, जो कि गलत है। ये हमारी प्रपोज स्ट्राइक थी 24 और 25 सितम्बर की। अगर 24-25 सितम्बर तक मैनेजमेंट और सरकार हमें बुलाती है वार्ता हमारी केंद्रीय परिषद को तो ठीक है, अदरवाइज जो आदेश होंगे हो सकता है इस स्ट्राइक को निश्चित रूप से हम आगे अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ा दें, क्योंकि हमारी मुख्य रूप से चार मांगे हैं। आज की परिस्थितियों के अंदर आज इतना वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, जो 1972 के अंदर 2 लाख कनेक्शन थे आज 40 लाख कनेक्शन है, और कर्मचारी की संख्या जो सेंक्शन हुई थी उस समय 54,000 आज 28,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि प्रपोर्शनेट कनेक्शन के प्रपोर्शन के हिसाब से हमारी कर्मचारियों की संख्या 10 लाख होनी चाहिए थी, जो कि पदों का सृजन नहीं किया गया 1972 के बाद। हमारी मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग करें। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, हमारी प्रमोशन पोस्टें बढ़ेंगी, हमारा कोटा बढ़ेगा, और जो द्वितीय सबसे बड़ी मांग है हमारी टाइम स्केल की। हमारा जेई 1975 में जेई लगता है और 2006 के अंदर जेई रिटायर हो जाता है, कोई प्रमोशन कोटा नहीं है, जो है एक लिटल सा है ऊँट के मुँह में जूरा, जिसमें 35% हमारा प्रमोशन कोटा और 65% डायरेक्ट लिए जाते हैं एसडीओ, जेई से एसडीओ का कोटा। और जो तीसरी जो मांग है टाइम स्केल की, अगर हमें प्रमोशन नहीं दे पाता महकमा और ये कोटा नहीं बढ़ाता तो कम से कम हमें अन्य राज्यों की तरह, चाहे झारखंड के पैटर्न पे ले लें या पंजाब के पैटर्न पे, हमें टाइम स्केल दें जिससे हम 8 साल बाद एसटीओ का, 16 साल बाद एक्शन का और 24 साल बाद एससी का ग्रेड पे ले सकें। और चौथी मुख्य मांग है हमारी, हमने पीछे कंपेरेटिवली हमारी केंद्रीय परिषद ने मैनेजमेंट के सामने रखा था, हम लगभग 17 राज्यों के हमने तुलनात्मक दृष्टि से ग्रेड पे दिखाए थे, जिसमें हरियाणा सबसे पीछे है। आज की स्थिति में हम हरियाणा में जेबीटी से भी कम तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि हम रात दिन रात मौसम की किसी चीज़ की परवाह ना करते हम निर्बाध आपूर्ति बिजली की सप्लाई देते हैं हम पूरे कंज्यूमर्स को। और हमारी इन चार मुख्य मांगों को लेकर हम हड़ताल पर हैं, और अभी तक किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से अभी तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, और ये नहीं बुलाया गया ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वो लोग अनिश्चितकालीन धरने करने पर मजबूर हो जाएंगे। गौरतलब है कि धरने पर बैठे कर्मचारी अपने फोन बंद करके धरने पर बैठे हैं।